अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी दुआ, दुआ व्हेन एंटरिंग अ मॉस्क, यानी मस्जिद में जब हम दाखिल होते हैं उसकी दुआ। दुआ व्हेन, दुआ जब, एंटरिंग जब दाखिल होते हैं अ मॉस्क, एक मॉस्क में। अच्छा, इसको मॉस्क क्यों नहीं पढ़ना है? ये मॉस्क है। इंग्लिश में मस्जिद को क्या कहते हैं? मॉस्क कहते हैं, मॉस्क क्यों नहीं कहते हैं? बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, मॉस्क क्यों बोलते हैं। तो इसकी राइट प्रोनंसिएशन, सही तलफ़ुज क्या है? मॉस्क है, मॉस्क क्यों नहीं, मॉस्क बोलना है इसको। दुआ व्हेन एंटरिंग अ मॉस्क, यानी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। चलिए पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अब देखिए, इसकी हम इंग्लिश उर्दू दोनों ट्रांसलेशन देखेंगे। अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, अल्लाहुम्मा क्या तर्जुमा करेंगे हम? ओ अल्लाह, ओपन खोल दे। ओ अल्लाह यानी ए अल्लाह, ओपन खोल दे फॉर मी, मेरे लिए क्या खोल दे? द डोर्स ऑफ योर मर्सी, अपने रहमत के दरवाज़े, अपनी रहमत के दरवाज़े को खोल दे। ओपन खोल दे फॉर मी, मेरे लिए। द डोर्स ऑफ योर मर्सी, अपनी रहमत के दरवाज़े। मर्सी कहते हैं रहमत को, डोर्स मतलब दरवाज़े, योर मतलब अपनी। ए अल्लाह, ओपन खोल दे फॉर मी, मेरे लिए। द डोर्स ऑफ योर मर्सी, अपनी रहमत के दरवाज़े को क्या कर दे? खोल दे। अब आगे चलते हैं हम। एक और दुआ, बहुत प्यारी दुआ। अब मस्जिद से मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ हमने पढ़ लिया। अब हम दुआ पढ़ने जा रहे हैं, दुआ आफ्टर लीविंग अ मॉस्क, मस्जिद से निकलने के बाद की दुआ। दुआ आफ्टर, आफ्टर कहते हैं बाद को, आफ्टर लीविंग अ मॉस्क, मॉस्क यानी मस्जिद से निकलने की, निकलने के बाद की दुआ। तो क्या है, पढ़ लेते हैं। इंग्लिश उर्दू आप दोनों ट्रांसलेशन देखेंगे, अरबी पढ़ लेते हैं पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। अब चलिए इसका तर्जुमा देखते हैं। ओ अल्लाह, अल्लाहुम्मा का तर्जुमा क्या करेंगे? ओ अल्लाह, अल्लाहुम्मा को इंग्लिश में कहते हैं ओ अल्लाह, ए अल्लाह। वेरीली क्या पढ़ेंगे इसको? वेरीली पढ़ेंगे, वेरीली। तलफ़ुज आप ज़रूर इसको सही अदा करेंगे, वेरीली, बेशक। बेशक का तर्जुमा क्या करेंगे? वेरीली, बेशक। आई सीक, मैं मांगता हूँ, आई सीक मैं मांगता हूँ, फ्रॉम यू तुझसे, फ्रॉम यू मतलब तुझसे मांगता हूँ, योर बाउंटी। क्या कहेंगे? योर बाउंटी, बाउंटी कहते हैं फजल, अता, रहमत। तो योर बाउंटी यानी तेरी बाउंटी मांगता हूँ, मतलब तेरी, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी रहमत मांगता हूँ, तेरी अता मांगता हूँ। ए अल्लाह, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, वेरीली, बेशक। आई सीक, मैं मांगता हूँ, फ्रॉम यू तुझसे, तुझसे मांगता हूँ, योर बाउंटी, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरा फजल। बाउंटी कहते हैं फजल को। तो जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स को आप लिखते जाएं और अपने बच्चों को भी याद कराएं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स से बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।